अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। व्लॉग देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज जो है वो सुबह सुबह हम आ गए हैं। अभी सूरज भी जो है ना वो प्रॉपर तरह से निकला नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से आज अच्छी खासी ठंड। सारे जो मुर्गियाँ शुर्गियाँ वो तो अभी से ही जो है ना देखें, ये देखें ब्लू और पिंटर ने अंडा देना, इसलिए इस तरह की आवाज़ें जो है ना वो ये निकाल रही है। अच्छा, मैं बर्ड एवियरी का ना दाना लेके आता हूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आज हमारे पिजन्स ने हमारे साथ प्रैंक कर दिया। ये देखें गाइस, बर्ड एवियरी में आ चुके हैं, प्रैंक चेक करेंगे। एक अंडा ये यहाँ पे दिया हुआ किसी ने और एक अंडा वहाँ पे दिया हुआ किसी ने। अब कबूतर एक ही दिन में तो दो अंडे देते नहीं है, ये किसी दो डिफरेंट तरह के कबूतरों ने ऐसे रास्ते में अंडा दे दिया। अब पता नहीं ये यहाँ पे बैठते भी हैं कि नहीं, मैंने अंडा हिलाया तो फिर इन्होंने ना बैठना ही नहीं है। तुम लोगों को बहुत जल्दी है खाना खाने की, इधर जाके वो पिजन्स के साथ खाना खाओ। ये ले जी, हम बजीस का जो है दाना डाल दें। बजीस की ट्रे फुल हो चुकी है, हम जो है वो अच्छा, ये दोनों बेबीज हैं हमारे होमर्स के, ये बाहर फिरना स्टार्ट हो गए हैं। एक ये है, ये भी ब्लैक मुल्तानी शराजी लग रहा है बनेगा, ये मुझे लगता है देसी कबूतर है, और ये किंग है। ये अंडा चेक करें कहाँ दिया इसने किसी ने। ओए ये कौन बना पड़ा है गाइस, हमारा डव का बेबी जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, इसको पता नहीं किसने मार दिया या इसको खाना वगैरह नहीं मिला। ये बेचारा उधर बैठा होता था, आपको लास्ट व्लॉग में भी मैंने दिखाया था, मैं कह रहा था इसके माँ बाप इसको अगर खाना नहीं ना खिलाएंगे तो इसने मार जाना है। ये हमारे सेंटिनल के जो है बेबीज हैं, इनकी ग्रोथ तो ठीक चल रही है। इसको पता नहीं किसने मार दिया, इधर बैठा होता था ये ठीक था कल तक, यार तुम्हारा बेबी किसने मार दी तुम्हें पता ही नहीं लगा दोनों को है। यार अपने अपने बच्चे की रखवाली तो कर लिया करो एटलीस्ट। बहुत ही बुरे तरीके से जो है ना उस बेचारे के पार ऊपर से जो है ना खा लिए हुए हैं। वो बेचारा कहीं नीचे आया होना, फौत हो गया होना ठंड की वजह से या जिस भी रीज़न की वजह से, उसके बाद जो है ना उसके पार जो है ना ऊपर से उतार उतार के खा लिए हैं, इसलिए मैं आपको वाली साइड इसकी नहीं दिखा रहा। यार हमारे जो है ना पता नहीं कौन ऐसा कातिल है हमारी इस बर्ड एवियरी में जो यहाँ तो मार रहा है हमारे परिंदों को। अच्छा छोटे छोटे अगर बच्चों को मरना चाहिए ना, छोटे बच्चों को अगर मरना चाहिए ना कि कोई तंग कर रहा है किसी को, तो सबसे पहले सेंट्रियल के बच्चे सबसे छोटे हैं, उसको उनको कोई नहीं कुछ कहता, शायद उनके माँ बाप भी पास रहते हैं। तो गाइस मोरों का दाना जो है वो आप देख सकते हैं पड़ा हुआ है काफ़ी, तो इनको आज दाना नहीं डालेंगे हम, और अभी हम जो है वो चलते हैं अपनी मुर्गियों को एक एक करके जो है ना वो दाना डालना स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई कैसी हो, सेट चल रही हो बेबीज जो है ना गाइस, ये जितने हमारे पास 6 बेबीज हैं ना, ये इंशाल्लाह जो है वो हम मंडे को जाएंगे और भाई के पास रखवाएंगे मार्केट जाके, जिनसे हम फीड परचेज करते हैं, और इनको हम बेसिकली सेल के लिए लगाने लगे हैं। ना करो यार, नहीं यार नहीं गाइस,
अच्छे भले थे यार सील सारे, इसको क्या हो गया है? इसको मैं पकड़ के बाहर निकालते हैं। गाइस ये देखें, ये हमारा वो सील था, बाकी दोनों ब्लैक थे, ये थे इसके ब्राउन फेदर्स थे साथ, और ये हमें लगता था कि ये मुर्गा निकलेगा। और इसकी गर्दन अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्म है, जैसे ये ना रिसेंटली थोड़ा फौत हुआ हो। समझ नहीं आ रही, अब तो सर्दियां भी बहुत कम हो गई हैं कि बंदा कहे कि सर्दी से कोई जानवर मर गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस इससे आगे जो है ना वो मेरे से व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बन रहा, बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट और दुखी हो गया हूँ मैं। डव का बेबी इतना प्यारा था वो मर गया, और हमारा एक असील मुर्गा भी मर गया। समझ नहीं आ रही रीज़न मरने की, क्योंकि पोटा भी उसका जो है ना वो फुल भरा हुआ था, और जैसे जानवर अगर बीमार हो तो उसने खाना नहीं खाया होता या कोई और मसला होता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह नज़रबाद से जो है ना वो सबको बचाए, और ज़िंदगी और मौत तो जो है ना वो ज़िंदगी में चलती रहती है दुनिया में इस, तो बस बहुत दुखी हो गया हूँ मैं। इंशाल्लाह जो है वो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगा, अभी तक अभी के लिए जो है ना वो मैं इजाज़त चाहूँगा। बस दुआ कीजिएगा कि जो है ना वो अल्लाह सारे मामला जो है वो ठीक रखे मेरे लिए भी और मेरे बर्ड्स के लिए भी। तो मिलते हैं फिर एक अदर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।